गोगी गैंग के चार सातिर बदमाश हुए गिरफ्तार, पिस्टल समेत डेढ़ दर्जन जिंदा कारतूस हुए बरामद। दिल्ली की रोहिणी जिला स्थित बेगमपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोगी गैंग के चार सातिर बदमाशों को एक गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों से 3 पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस समेत एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। इलाके में लूट की वारदात करने आए थे आरोपी। वारदात को अंजाम देने से ही पहले पुलिस ने धर दबोचा। रोहिणी जिले के DCP प्रणव तायल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में बढ़ती आपराधिक वारदातों और क्राइम ग्राफ को देखते हुए सभी थानों के स्टाफ को अलर्ट रखा गया है और जिले में स्ट्रीट क्राइम और बड़े क्रिमिनल से जुड़े लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन एकत्रित करने पर उनकी धरपकड़ के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दे रखे हैं, जिसके चलते पुलिस ने भी टेक्निकल सर्विलेंस के साथ साथ लोकल इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को भी एक्टिव किया हुआ है। इसी कड़ी में दिल्ली के रोहिणी जिला स्थित बेगमपुर थाने में तैनात SI नीरज राणा को हत्या के मामले में वांटेड गोगी गैंग के सक्रिय सदस्यों के बारे में पुख्ता सूचना मिली कि इलाके के रोहिणी हेलीपैड के पास आने वाले बदमाश अवैध हथियार के साथ आने वाले हैं, जिसके बाद ये जानकारी आला अधिकारियों से साझा की गई और बेगमपुर थाने के सचिव अरविंद त्यागी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मनोहर लाल, SI पुष्पेंद्र, ASI नीरज राणा व कांस्टेबल विकास, सन्नी अरुण, अजय व सुभाष आदि की टीम गठित की गई और इन बदमाशों को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस टीम ने बीती 23 तारीख को रोहिणी हेलीपैड के कझाला रोड पर ट्रेप लगाया और सुमित उर्फ सेठी नाम के एक बदमाश को धर दबोचा, जिसकी तलाशी लेने के बाद उससे एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी सुमित ने पुलिस को बताया कि वो यहाँ एक रोबरी को अंजाम देने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए सुमित की सूचना के बाद उसके 3 अन्य साथियों कुणाल उर्फ राहुल, करण हंस और सूरज को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनसे भी 2 पिस्टल और 12 लाइव राउंड बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों में से 2 आरोपी पैरोल जंपर हैं और इन सभी पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बहरहाल पकड़े गए आरोपियों की गिरफ्तारी बेगमपुर थाना पुलिस के लिए बेशक एक बड़ी कामयाबी है और इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली, रोहिणी और आसपास के इलाके में गैंगवार और आपराधिक वारदातों में भी कमी आने की उम्मीद है।